मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा ने आज मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद कमल दत्त शर्मा ने यह कहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट को जीत रही है, एग्जैक्ट बोल भी इसको जीता हुआ बता रहे। मुद्दे ये हैं कि जो पिछली बार हमारी माननीय योगी जी की सरकार आई थी और उससे बाद में हमारी, उससे पहले सेंट्रल में भी थी और बाद में भी दोबारा हमारी बन गई, तो हमने जो कार्य किए हैं उन वो कार्य इस चुनाव में हमारे टूल्स हम उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं और लोगों को पता भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरठ से दिल्ली की दूरी जो 3.5 घंटे की थी वो मात्र 40 मिनट की रह गई है। 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए का हाईवे बन के तैयार हो गया, लोग उससे आ रहे जा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है हमारे मेरठ के लिए, जो बड़े सौभाग्य का विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जितनी बधाई दी जाए मेरठ की ओर से उतनी कम है, कि यहाँ पर 38 हज़ार करोड़ रुपये की रैपिड रेल हमारी सरकार ने यहाँ पर दी है। हमारे माननीय सांसद जी को भी बहुत बहुत बधाई हम सब लोग देते हैं। इसलिए 38 हज़ार करोड़ रुपये की कोई प्रोजेक्ट जो एशिया का पहला प्रोजेक्ट इंडिया में आया वो मेरठ से दिल्ली रैपिड रेल है। लोग कहते हैं दिल्ली से मेरठ, मैं उन्हें उसका नाम दिया है मेरठ से दिल्ली, क्योंकि मैं मेरठ का नागरिक हूँ। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि मेरठ से हापुड़, मवाना रोड या बागपत रोड, ये सारे हाईवे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। ऐसा है ना, अब जो कार्य हुए हैं उस कार्य को लेकर हम जा रहे हैं। सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जो कानून व्यवस्था पहले सरकार में चरमरा गई थी और इस सरकार में लोगों ने राहत की सांस ली है। आप खुद इस बात के, क्योंकि आप भी यहीं रहते हैं, इस मेरठ में ही रहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप अपने हृदय पर हाथ रख के बता सकते हैं कि कानून व्यवस्था क्या सुधरी नहीं? सवाल पूछने का अधिकार थोड़ा बहुत मैं भी आपका भाई हूँ, मुझे भी आपसे है। अगर आप ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था सुधरी, वाजपेयी जी मेरे बड़े हैं और उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पर लड़ रहा हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।